सो हे व्हाट्स अप गाइस, मी रायन है, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्रो की तरफ से आने वाले क्रो फ्यूजन साइकिल की एक रिव्यू। सो बेसिकली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्या क्या फीचर्स इस साइकिल में आपको मिल जाता है एंड क्या क्या बेनिफिट इस प्राइस पॉइंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो के अंदर बने रहिए, चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है साइकिल क्रो फ्यूजन 21, जो कि एक एलॉय फ्रेम वाला साइकिल है। एंड इसका प्राइस देखो आप, ऑलमोस्ट है 13,000। अभी हम देखेंगे साइकिल के क्या क्या फीचर्स है एंड क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो इसका हाइलाइटिंग फीचर है वो इसका फ्रेम। अनलाइक अदर साइकिल, इसमें आपको मिल जाते हैं एल्युमिनियम के फ्रेम, जो कि काफी एक लाइट वेट आपको प्रोवाइड करेगा साइकिल में एंड उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगा। सो विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पे देख सकते हो 6061 सीरीज का एल्युमिनियम फ्रेम इसमें यूज किया गया है, जो कि साइकिल के हिसाब से काफी अच्छा है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे देखो, इस प्राइस पॉइंट पे आपको शायद ही कुछ एल्युमिनियम के साइकिल्स मिल जाएंगे। फ्रेम के डिपार्टमेंट में काफी अच्छा फ्रेम है एंड आप इजीली इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर द फ्रेम। बात करें अगर इसके सेकंड हाइलाइटिंग फीचर की, वो है इसका लॉकआउट सस्पेंशन। हाँ गाइस, इस प्राइस में आपको मिल रहा है लॉकआउट सस्पेंशन, जो कि काफी अच्छा पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हो लॉकआउट सस्पेंशन, मतलब आप इस सस्पेंशन को लॉक कर सकते हो एज पर योर यूजेस। अगर आप हाई रोड पर राइड करते हो एंड आपको स्पीडिंग चाहिए होता है तो आप सस्पेंशन को लॉक कर सकते हो। एंड अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो सस्पेंशन को ऑन रख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप चूज कर सकते हो कि आप सस्पेंशन को लॉक करोगे या फिर ऑन रहोगे। अभी बात करें साइकिल के बाकी फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको मिल जाता है शिमानो टूनी TY300 डिरेलर, जो कि पीछे आपको मिल जाता है। तो ये डिरेलर काफी एक अच्छा है, रिलायबल है, लेकिन इससे कम प्राइस में इससे अच्छा डिरेलर वाला साइकिल मिल जाएगा। लाइक रेडियक्स क्वाट में आपको शिमानो एल्टस मिल जाता है, लेकिन हाँ, ये TY300 भी काफी अच्छा डिरेलर है। गियर शिफ्टिंग में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करें साइकिल की ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पे सामने और पीछे आपको दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो बेसिकली हाँ, इसका ब्रेकिंग पावर भी काफी अच्छा ही होगा। आपको पता ही है डिस्क ब्रेक का पावर उसके ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है, तो हाँ, बेसिकली आपको एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। अभी बात करें इसकी हैंडल बार की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक थ्रेडेड सस्पेंशन है। अभी के टाइम पे थ्रेडेड सस्पेंशन मस्ट साइकिल में होना ही चाहिए भाई, क्योंकि जो नॉन थ्रेडेड सस्पेंशन आपको मिल जाता है उनमें लाइक यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट देख सकते हो, इस पार्ट में बहुत ही दिक्कत हो जाता है। लाइक वो लूज हो जाता है, उसमें काफ़ी सारे नॉइस आने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। ये जो थ्रेडेड हैंडल बार है, ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, एक प्लस पॉइंट है साइकिल के। तो अभी बात करें साइकिल की फ्रेम एंड टायर साइज के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो ये साइकिल ट्रेक 2090 टायर के साथ आता है एंड इसका जो फ्रेम साइज है वो है 18 इंच। सो बेसिकली आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग मिल जाएगा। अगर आपका हाइट 5.6 एंड उसके अबव है तो ये साइकिल आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, काफी एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा ये साइकिल। एंड फाइनली यहाँ पे देख सकते हो साइकिल के साथ कुछ फ्री एक्सेसरीज आते हैं, लाइक स्टैंड तो होना ही चाहिए भाई साइकिल के साथ, तो ये फ्री एक्सेसरीज को छोड़ दो। यानी यहाँ पे टूल किट भी आपको मिल जाता है, लाइक छोटा छोटा ट्यूनिंग करने के लिए आपको ये एलन कीज एंड ये जो रेंज है ये आपको जरूरत पड़ेगा, तो हाँ, यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। लाइक आप घर पे ही साइकिल को इजीली ट्यून कर सकते हो इनके इन टूल्स की मदद से। सो बेसिकली ये जो साइकिल है, मैं बेस वेरियंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका जो 21 स्पीड वेरियंट है उसका ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 24 गियर का ऑप्शन भी है, 27 गियर का ऑप्शन भी है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये दोनों ऑप्शन को आप कंसिडर मत करो। अगर आपको ये साइकिल ही लेना है इस प्राइस पॉइंट में, तो आप 21 स्पीड वाला वेरिएंट ही लो, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में यही साइकिल आपको काफी एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दिस वेरिएंट लाइक 24 एंड 27। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा एक ऑप्शन बन जाते हैं एंड जरूर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।